जैसे ही ब्रह्मा के द्वारा पृथ्वीराज महाराज के तीन राजकुमारों का वध हो गया, फौजे एकदम से दौड़ पड़ी, भाग पड़ी और जाकर के पृथ्वीराज के दरबार में कहने लगे, महाराज तीनों बेटा घायल हो गए, ब्रह्मा दियो जान से मारे, और तीनों लड़के आपके जूझे मालिक साचो कथन हमारे। ऐसा जब बताया है सेना ने, पृथ्वीराज महाराज मन में सोचने लगे हैं, तीन लड़का मेरे बारे गे, अब हम करीबे कौनू पाए, तब ही चौड़ा ऐसन वाले मालिक सुनो पिथौरा राय। चौड़ा मुंशी बोला है, जब तक कायम चौमंडल है तुमका कौन परी परवाए, सुनो हकीकत महिल कई दिन का कहीं मही पतिराए। ब्रह्मा भैने से बालती है भैने मान जाओ कहा हमारे, हार भाई है दिल्ली की लाओ पिरथी का देई समझाए, राजी राजी गौना दई दिए जो है दिल्ली के महाराज, ब्रह्मा का है चले जाओ मामा दिन क्यों देर लगाओ नाए। सजाए
मुंशी जनाना बन के पालकी में बैठ करके आया है, ताहर को देख करके ब्रह्मा ने आवाज लगाई कि पालकी किसकी है, हमें बता दो। तो जानते हो मेरे नौजवान साथियों, ताहर ने कहा, जीजाजी तुम्हारी बहादुरी पर खुश होकर के हमारे बबुला पृथ्वीराज चौहान ने तुम्हारे लिए मोहनमाला गौने का अधकर भेजा है और बेला बहन का ये डोला भेजा है। ब्रह्मा जैसे डोला के समीप पहुंचते हैं, उसी समय चौड़ा मुंशी पालकी के अंदर से तलवार से वार कर देता है, जो ब्रह्मा के गले को घायल करती हुई निकल जाती है। बगल से ताहर तीरों की बौछार कर देता है, ब्रह्मा घायल होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। अपना काम करके ताहर और चौड़ा मुंशी वहां से भाग जाते हैं। जागन आ करके ब्रह्मा की लोथी को उठा करके घायल अवस्था में तंबू में जब लिटा देते हैं, तो आज जिस समय बेला को ये कहानी पता चली है मेरे नौजवान साथियों, तो देखिए आज बेला महारानी के हृदय पर क्या बीत रही है। अरे पता लाग गई जब बेला का की घायल भए चले लाराय, अरे बल गई जनाना चौमंडल ले
धोखा कियो खेत में जाए। अरे तार भैया तुम का कीनो हमका विधवा दयो बनाए। छाती पीट के बेला रोई और पद कति मुड़ धरल पे जाए। हर बिना पिया के हम का करिबे नैनन आस रही घर का। हकीकत हो जाई का चंदर भागा पहुंची आए। चंदर भागा ऐसन पाल बेला से काहे समझाए। खाली कुनही तुम भवरिन की ननदी सुनियो ध्यान लगाए। खटका छोड़ दियो जियरा का ननदी सुन लियो ध्यान लगाए। दूसर ब्याह कराई देब तुम्हारा भौजिया है रही समझाए। अखिया नमा बेला बोली बहन सुनाए। एक बात तुम ते बदला दे फौजी सुन लियो ध्यान लगाए। जैसे विधवा हम पीरल चौड़िया राय वैसे विधवा तुम का करई भई यही में फरक जरा भी नाय। सुनो हकीकत अब बेला कई अखिया नया सरे डर गाय। बाली बाली कही कही तेरी बाली सुन ले ध्यान लगाए। कलम यो कागज हम का दई देव दिन को फिल्म लगइयो नाय। आज बेला विलाप कर रही है। कलम और कागज बेला लेके अब तो पत्त करती तैयार। हकीकत यह बेला की दिन क्यों देर लगावे नाय। ऐसे हाल लिखा बेला ने और उदल को लिखा बनाए। लिखने लगी है पाती बेला कि देवर उदल उमर हमारी हेठी पर गई सिरसा को जूझ गयो रे मलका।
आज को होती सिरसा वाले तो गौना मेरा दे दिखलाए, का बतावे बेलावत को बात लिख रही कलम चलाए। भौजा नहीं सजवाए संग न मायो तुम सैया संग मारे गए हैं पिया हमारे। मेरी जवानी अगारत हो गए सुन लिया बेसला जकेला नहीं कराना था तो विवाह क्यों करा दिया? अगर गौने में आप आते आते तो हमारे पति घायल नहीं होते। चौड़ा मुंशी ने नारी बनकर के हमारे पिया को घायल कर दिया है। अरे उदल, अगर तुम्हें जरा सी लाज है, जरा सा पानी है तुम्हारे शरीर में, तो मेरा गौना करा करके मेरे पिया से हमें मिला दो। ऐसा पत्र जब बेला ने लिख करके उदल के पास में भेजा, उदल ने पत्र को पढ़ा तो मेरे नौजवान साथियों, उदल ने आला से कहा है और लाखन से कहा है, सैयद से कहा है कि तैयार हो जाओ
अरे करो तैयारी अब जल्दी ते भोजन डंका देऊ बजाए और गवना कराई के बेलावत को हम ब्रह्मा से देव मिलाए हकीकत अल बेला के जो बब्बर बाहन कहे अवतार सुनो हकीकत बघबू दल के ऐसन बोले गिराऊ जार सज गई अब मोहबा की तल कह मिले नमाना बार मित्र कनऊ जी कनऊ जवाले आपन फौज की न तैयार चली भाई भौज बैठे ये दिल्ली पद मुंशी अटा बराबर जाए
आया दिया फिर बीते मालिक सुन ले ध्यान लगाए वीर सिंह वीर सिंह दिया वाले आए जंगल के दरमियान करण नौकरी नगर मचा है तुम्हें कहना अवे हमार एक लाख पैसा भी मांगे एक दिन का रहन बताए दिल्ली वाले का बौरा ने चौड़ी आ रहा है ओ इतना पैसा नहीं नगर मा कैसे नौकर लिए रखा है। जब चौमंडल ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि मालिक हिर सिंह बीर सिंह बिरिया के जो महाबली सरदार हैं वो आपके दिल्ली में नौकरी करने के लिए आए हैं एक लाख टका रोज का लेंगे नौकरी में, पृथ्वीराज ने कहा पगलाए गए मुंशी तुम्हें मालूम है इतना पैसा तो खजाने में नहीं है इतनी नौकरी कहां से देंगे। चौड़ा ने कहा मालिक एक बात बता दूं कि ब्रह्मा घायल दूरे पे डाले एक दिन आई है उदय चंद्राए कुछ दिन नौकर इनका राखो तो सारा काम सिद्धि हो जाए। उदय जरूर आएंगे ब्रह्मा का बदला लेने इसलिए इनको यहां रख लो ताकि उदल और आल्हा से युद्ध करने के लिए जवान हो जाए। तो कहे पिथौरा दिल्ली वाले मुंशी सुनियो ध्यान लगाए आरे स्याही सफेद के तुम ही मालिक उनका लावो संगलवाए वन भेज दिया चौड़ा ने की ज्वानन कहला ओलवाए हर कारा तमुअन मा पहुंचा जहां पर बसे हैं उदय चंद्राए नौकरी पट्टी हो गए तुम कहा मालिक रहे बोलाए आज बेंदुला के चढ़वैया संगमा चले कनौजी हराए ये बात ठाकुर ताला सैयद चारू भाई है तैयार कहां पे तमुआ दिल्ली पति का चारू अजवान पहुंचे जाए सही समय या फिर भी अब लें आओ चौड़ा दे कहा सुनाए कर महल मरा खो रक्षा करें बे लग जाए महल तो ताकेंगी बेला का इतना कहा पिथौरा हराए चारियो योद्धा महोबा वाले बेलक महल पहुंचे हैं आए रहे बतलाए वाहे भवानी बेला रानी एक बानी से कहा सुनाए कहां के योद्धा आए हैं इनका आओ पता लगाए सुनो हकीकत अब बानी के उदल पास पहुंची आए कहा उदय चंद्राय लड़के अपा
जाति बनिया चल भयो बेला कदिया बकराई। सुनो हटी कदिया बेला कर मनमा समझ गई है आई। जीवानी में बेला बोले यो बानी ते कहा सुनाई। किसने बाती तुम का दिन हुआ को जाकर लाओ बुलाई। सुनो हटी कदिया बानी कर दूर तहिया ती बड़ा बढ़ियाई। चलो हमारे साथ आगे आगे बलिया चल भेजी थे चले उदय चंद्राय। जौन जगह पर बेला